बाबा, साईं बाबा के बारे में कहा जाता है कि यदि उनके प्रति आप भक्ति भावना से भरकर उनकी समाधि पर माथा टेकेंगे तो आपकी किसी भी प्रकार की समस्या हो उसका तुरंत ही समाधान होगा। जब साईं बाबा आपकी भक्ति को कबूल कर लेते हैं तो आपको इस बात की किसी ना किसी रूप में सूचना भी दे देते हैं। साईं ना हिंदू हैं और ना ही मुसलमान, वे सिर्फ अपने भक्तों के दुख दर्द दूर करने वाले बाबा हैं। साईं बाबा का स्पष्ट संदेश है कि यदि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं तुम्हारी ओर देखूंगा। मेरे भक्त को जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। अपने भक्तों के कष्ट दूर करना कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन उनके भक्त इसे चमत्कार ही मानते हैं। साईं बाबा ने अपने जीवन काल में कई ऐसे चमत्कार दिखाए जिससे कुछ लोगों ने उनको राम का अंश जाना तो कुछ ने श्याम का। साईं के 11 वचनों के अनुसार वे आज भी अपने भक्तों की सेवा के लिए तुरंत ही उपलब्ध हो जाते हैं। आओ जानते हैं साईं बाबा के ऐसे ही कुछ कार्य जिनको माना जाता है चमत्कार। साईं भक्त दत्तोपंत मध्य प्रदेश के हरदा गांव के एक निवासी दत्तोपंत जी साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। वे लगभग 14 वर्षों से पेट दर्द की पीड़ा से परेशान थे। उन्होंने हर तरह का इलाज कराया लेकिन उनकी पीड़ा का समाधान नहीं हुआ। बाबा ने दत्तोपंत की ओर प्रेम पूर्ण भाव से देखकर उसके सिर पर वरद हस्त रखा और कहा कि अच्छे हो जाओगे। फिर बाबा ने उन्हें उदि भी दी। बाबा के आशीर्वाद और उदि प्रसाद से वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए। फिर उन्हें भविष्य में कभी कोई रोग और शोक नहीं हुआ। कहते भी हैं कि पहला सुख निरोगी काया। गोपाल राव एक गांव में गोपाल राव नामक एक इंस्पेक्टर थे। वे सुबह सुबह अपने दरवाजे के पास खड़े थे कि तभी गांव का एक मेहतर अपनी पत्नी के साथ वहां से गुजरा। जैसे ही उन दोनों की दृष्टि गोपाल पर पड़ी, मेहतरानी अपने पति से बोली कि सुबह सुबह किस निपुते का मुंह देख लिया। इंस्पेक्टर ने संतान की इच्छा से 4 विवाह किए थे लेकिन एक से भी उनको कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। डॉक्टर हकीम वैद्य सभी से इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इंस्पेक्टर गोपाल राव का एक दोस्त रामू उसे शिरडी ले गया और साईं के आशीर्वाद से 9 महीने बाद इंस्पेक्टर के घर शहनाइयां गूंजी। साईं बाबा के दरबार में जो भी गया वो खाली नहीं लौटा। न जाने कितने ही चमत्कार साईं बाबा ने दिखाए हैं। सांप का काटा भी वहाँ ठीक होता है। कैसा भी रोग हो साईं बाबा की भभूति से ठीक हो जाता है। कई बार मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग उनके रास्ते पर भीड़ लगाए रहते हैं जो गॉडमैन की पूजा करते हैं, तो एक बार मुझे लगता है कि ये लोग उनकी पूजा क्यों कर रहे हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि वह गॉडमैन कितना शक्तिशाली और बुद्धिमान है। वह उन्हें विश्वास दिलाने में सफल रहा कि मैं भगवान हूँ, तो यह भी एक बुद्धिमानी है। तो क्या यह ऐसा देश है जहाँ लोग इतने मूर्ख हैं कि वे बस एक इंसान के पीछे जा रहे हैं, और मूर्ख शब्द कहना ठीक नहीं है, लेकिन एक इंसान का अनुसरण करना और उसे भगवान की तरह देखना, या वह गॉडमैन इतना बुद्धिमान है कि यह उन्हें विश्वास दिला देता है? देखिए, ये गॉडमैन शब्द मीडिया का बनाया हुआ शब्द है। मैंने कहीं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसने दावा किया हो कि मैं गॉडमैन हूँ। मैंने मैन देखे हैं और मैंने गॉडडैम मैन देखे हैं। मैंने कहीं कोई गॉडमैन नहीं देखा। क्या आपने कहीं गॉडमैन देखा है? हेलो, किसी ने भी नहीं? कोई वहां बैठा है, कोई और अभी हम मालवीय जी को माला पहनाएंगे। क्या वो एक भगवान है? नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसका हम सम्मान करते हैं। उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी हम कद्र करते हैं, तो हम माला पहनाकर उनके लिए अपना सम्मान दिखाते हैं। अरे, आपने उन्हें माला पहनाई तो आपने उन्हें देवता बना दिया। हाँ, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया जिसका हम सभी को फायदा हुआ और हमें उसकी कद्र है, तो हम उनके आगे सिर झुकाते हैं। तो ये यहां अलग अलग तरह के तर्क हैं। मत सोचिए कि सिर्फ एक तर्क है। एक निचले स्तर का तर्क है, थोड़ा ऊंचा बहुत महीन तर्क भी होता है। अब लोग जो ऊपर देखकर पूजा करते हैं ये कहते हुए कि हमारे भगवान वहां ऊपर हैं, और वो आपको ठीक लगता है, क्योंकि पहले तो ये सारा ऊपर वाला बिजनेस, पहली चीज तो आप, क्या आप एक गोल ग्रह पर रहते हैं? आपको यकीन है? ठीक, धरती गोल है और हर समय घूमते रहती है।
अगर आप ऊपर देखते हैं तो निश्चित ही आप गलत दिशा में देख रहे हैं। आप नॉर्थ पोल पर भी नहीं हैं, आप काशी में हैं। आप इस तरह हैं, हर समय गलत दिशा में देखते हुए, सब 360 डिग्री। सो डू यू नो इन दिस कॉस्मोस व्हिच साइड इज, तो क्या आप जानते हैं इस ब्रह्मांड में ऊपर किधर है? क्या कहीं उसका निशान है इस ओर ऊपर? नहीं। तो आप ये भी नहीं जानते कि कौन सी तरफ ऊपर है, लेकिन आप जानते हैं कि कौन ऊपर है। मेरे ख्याल से ये बहुत मूर्खतापूर्ण है। तो इस संस्कृति में हमने आपको सिखाया कि आज ये आधुनिक विज्ञान भी, मैं चाहता हूं कि आप ये समझें, चाहे आप एक परमाणु ले या ब्रह्मांड या पूरा ब्रह्मांड, 99.9999 की जो भी संख्या हो वो वास्तव में खाली है। परमाणु में बस थोड़ा सा पदार्थ है। आप ये जानते हैं क्या? आपका विषय क्या है, माफ कीजिए? लॉ। आप सारी गलत चीजों के लिए बहस कर सकते हैं। खैर, ये विज्ञान है। कि 99% से अधिक, 99.9, 11 या 14 बार या ऐसा कुछ, मुझे सटीक संख्या नहीं पता, परमाणु का उतना हिस्सा खाली जगह है, सिर्फ थोड़ा सा पदार्थ है, बहुत ही कम, छोटी सी चीज में भी ये बहुत छोटा है। यही चीज ब्रह्मांड के बारे में भी सच है, उसमें भी यही अनुपात है, 99% से ज्यादा खाली जगह है, सिर्फ तारों और ग्रहों और तारामंडलों के कण, नन्हे कण हैं, बाकी सब खाली जगह है। लेकिन ऐसा लगता है कि इस खाली जगह की अपनी बुद्धिमत्ता है कि वो इस सारे भौतिक पदार्थ को एक तरह से घुमाते रहती, क्योंकि हम कितना भी अध्ययन कर लें, हम देखते हैं ये भौतिक पदार्थ खुद में जरूरी बुद्धिमत्ता नहीं रखता, साफ है कि कुछ और उसे चलाता है। तो उसे समझाने का साधारण बचकाना तरीका यह है कि वहां ऊपर एक आदमी बैठा है और सब कुछ मैनेज कर रहा है। लेकिन जब आप ब्रह्मांड का आकार देखते हैं तो एक आदमी का चीजें मैनेज करना स्वाभाविक रूप से संभव नहीं है। आज महिलाएं बहस कर रही हैं, वो एक महिला क्यों नहीं हो सकती? हाँ, मैं अमेरिका के नैशविल शहर में लोगों के एक समूह से बात कर रहा था। मैं उन्हें एक चुटकुला सुना रहा था। उस चुटकुले में मैंने भगवान को एक पुरुष की तरह संबोधित किया। तुरंत महिलाएं खड़ी हो गईं। क्या आप मानते हैं कि भगवान एक पुरुष हैं? वो मैं जानता हूं कि मैं किस झमेले में पड़ गया हूं। मैंने कहा, मैं सिर्फ एक चुटकुला सुना रहा था। वो बोली, नहीं, आपने उन्हें पुरुष की तरह संबोधित किया। अब अमेरिका में एक बड़ी बहस चल रही है कि भगवान महिला क्यों नहीं हो सकते। पिछले चुनाव में उन्होंने इसे सुलझाने की कोशिश की। लेकिन आप नतीजे जानते हैं। फिर ऐसे तर्क भी हैं। देखिए, आपने ईदी अमीन के बारे में सुना? ईदी अमीन, युगांडा वाला। ईदी अमीन ने घोषणा की, भगवान काले हैं। मैं उनसे सहमत हूं, क्योंकि अगर गोरे आदमी के भगवान गोरे हो सकते हैं तो काले आदमी के भगवान काले क्यों नहीं हो सकते? तो अमेरिका के दक्षिणी चर्चों में एक बड़ी बहस हो रही है, भगवान गोरे हैं या काले। असल में बहस हो रही है। पिछले चुनाव में उन्होंने ये मामला सुलझाने की कोशिश की थी, वो सफल नहीं रहे। मगर भारत में हम जानते हैं कि भगवान सांवले हैं। क्योंकि वो लोग नहीं जानते, क्योंकि उन जगहों पर भगवान ने सिर्फ अपने दूत बेटे या किसी और को भेजा था। यहां भगवान खुद आए 9 बार। नाउ खासकर वो भारतीय जो देश के बाहर रहते हैं, इसे लेकर बहुत गर्व महसूस करते हैं, भगवान हमारे देश में 9 बार आए। तो मैं उन्हें याद दिलाता रहता हूं कि ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान भारतीयों को लेकर किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते।
वो जानते थे कि उनका बेटा, उनका दूत, कोई भी भारतीयों को ठीक नहीं कर सकता, इसीलिए वो खुद आए 9 बार और वो असफल रहे। देखिए, 9 बार या 10 बार आप बहस कर सकते हैं, असफलता पर बहस नहीं हो सकती, है ना? असफलता बहुत साफ दिखती है कि नहीं? तो हम इन चीजों के बारे में लगातार बात करते रह सकते हैं, लेकिन आपके विश्वास सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, अस्तित्व के स्तर पर नहीं। तो आपको यह समझना होगा कि ये एक बिना भगवान की संस्कृति है। यहां हम उन लोगों का सम्मान करते हैं जिन्होंने हमारे जीवन में योगदान दिया। हमारे माता पिता, हम उनके आगे सिर झुकाते हैं। अगर आप देखें, अगर शिव भी आए, आप यही करेंगे, है ना? है कि नहीं? अगर आप एक पेड़ भी देखते हैं, हम यही करते हैं। अगर आप गाय को भी देखते हैं, हम यही करते हैं। यहां तक कि सांप को भी। गाय हमें दूध देती है, इसलिए हम सर झुकाते हैं। सांप, क्योंकि उसने आज हमें काटा नहीं, हम सिर झुकाते हैं। मैं कह रहा हूं कि जो हम भगवान के साथ करते हैं, हम वही काम आदमी, औरत, बच्चा, जानवर, हर किसी के साथ करते हैं, है कि नहीं? फिर आप किसी एक आदमी को गॉडमैन क्यों बोल रहे हैं? हम हर किसी के आगे सिर झुका रहे हैं, है ना? श्री हनुमान बुलाए, कहाँ हो मेरे सीताराम? राधा बुलाए, सुनो हे घनश्याम। मालसापति बुलाए, आओ मेरे साईं राम। रंग भक्ति का कभी ना फीका होना चाहिए। साईं बाबा आते हैं, बुलाने का तरीका होना चाहिए। कौन कहता है, कौन कहता है साईं आते नहीं, बाबा आते नहीं। आप राधा की तरह बुलाते नहीं, क्यों बुलाते नहीं? कौन कहता है साईं आते नहीं, बाबा आते नहीं? आप राधा की तरह बुलाते नहीं, क्यों बुलाते नहीं? पैजमाई के हाथों से खाए रोटी, कभी लक्ष्मी के हाथों से खाए खिचड़ी। पैजामाए के हाथों से खाए रोटी, कभी लक्ष्मी के हाथों से खाए खिचड़ी। कौन कहता है, कौन कहता है साई खाते नहीं, बाबा खाते नहीं? आप सबूरी की तरह खिलाते नहीं, क्यों खिलाते नहीं? कौन कहता है साई खाते नहीं, बाबा खाते नहीं? आप सबूरी की तरह खिलाते नहीं, क्यों खिलाते नहीं?
दासगनों के भजन में मगन साजे साईं पांव में घुंघरू बांध के नाचे। दासगनों के भजन में मगन साजे साईं पांव में घुंघरू बांध के नाचे। कौन कहता है, कौन कहता है साईं नाचते नहीं बाबा नाचते नहीं, आप गोपियों की तरह नचाते नहीं क्यों नचाते नहीं। कौन कहता है साईं नाचते नहीं बाबा नाचते नहीं, आप गोपियों की तरह नचाते नहीं क्यों नचाते नहीं। पालकी के पलना में साईं बैठे, द्वारका माई के अंगना में साईं सोए। पालकी के पलना में साईं बैठे, द्वारका माई के अंगना में साईं सोए। कौन कहता है, कौन कहता है साईं सोते नहीं बाबा सोते नहीं, आप यशोदा की तरह सुलाते नहीं क्यों सुलाते नहीं। कौन कहता है साईं सोते नहीं बाबा सोते नहीं, आप यशोदा की तरह सुलाते नहीं क्यों सुलाते नहीं। तात्या को तुमने तारा अपनी आयु देखे, श्यामा का जहर उतारा सटका पीट पीट कर। तात्या को तुमने तारा अपनी आयु देखे, श्यामा का जहर उतारा सटका पीट पीट कर। कौन कहता है, कौन कहता है साईं संकट हरते नहीं बाबा हरते नहीं, आप द्रौपदी की तरह पुकारते नहीं क्यों पुकारते नहीं। कौन कहता है साईं आते नहीं बाबा आते नहीं, आप राधा की तरह बुलाते नहीं क्यों बुलाते नहीं। क्यों नचाते नहीं क्यों नचाते नहीं, क्यों खिलाते नहीं क्यों खिलाते नहीं, क्यों सुलाते नहीं क्यों सुलाते नहीं।